बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका किचन एक्सपर्ट उमर भट्ट एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेरे व्लॉग्स आप देखते हैं और माशाल्लाह बहुत पसंद करते हैं। तो व्लॉगिंग मैंने इसलिए स्टार्ट की थी, आपको पता है कि आप बोर ना हो, काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज मैं बना चुका था। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आया हूँ जी, वो ड्रिंक की रेसिपी है। और आपको पता है जी, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और ये गर्मियों की तो सुगात है जो आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आज हम बनाने वाले हैं जी सत्तू। इसके फ़ायदे भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। बहुत ही मुफीद ये चीज़ है जी, बना अगर आप अगर इसको बना के पीते हैं तो बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में ये बन जाता है। तो आइए बिला तखीर अब स्टार्ट करते हैं जीवर। सत्तू बनाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सत्तू होता क्या है। ये आप देख सकते हैं पाउडर सा, ये जनाब तैयार किया जाता है जौ से, जौ को पीस के तो ये सत्तू तैयार किया जाता है। और बाज़ लोग इसको काले चने पीस के भी बनाया जाता है ये सत्तू। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन सा पसंद करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको जौ का सत्तू मिल जाए तो वो सबसे अच्छा है। आजकल गर्मी है और ये गर्मियों के कह लें सुगात है और बहुत ही मुफीद है ये जनाब गर्मियों के लिए, जिसमें आप अगर आपको मैदे की गर्मी है तो ये मैदे की गर्मी के लिए भी बड़ा अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत फ़ायदे हैं सत्तू के, बस बनाना बहुत ही आसान है। ये आप देख सकते हैं साथ आइस क्यूब है, ये भी इसमें शामिल होंगे ताकि अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको ठंडा कर लें। और इसमें चीनी शामिल नहीं होती, इसमें शामिल होती है जी शक्कर। अच्छी शक्कर लीजिएगा, साफ़ सुथरी शक्कर लीजिएगा मार्केट से। तो बनाना बहुत आसान है, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सत्तू बनाना बहुत ही आसान है। हम 3 गिलास बनाने लगे हैं, इसके लिए हमने पानी लिया है जी 3 गिलास। एक जग में आपने पानी ले लेना है, ठंडा ले सकते हैं बेशक। उसमें क्या करेंगे जी, 3 गिलास हैं तो 6 टेबलस्पून आपने शक्कर शामिल करनी है इसमें। ये देख सकते हैं टेबलस्पून, 6 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। 1, 2, 3। अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। लें जनाब, ये 6 टेबलस्पून हमने शक्कर शामिल कर ली है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पानी के अंदर। अच्छी तरह मिक्स करना है, जब तक कि ये अच्छी तरह से अंदर मिक्स ना हो जाए तो आपने तैयार नहीं करना सत्तू। अभी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्या करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ले व्यूअर्स, बड़ी अच्छी तरह से हम मिक्स कर चुके हैं। अब हम लेंगे जी गिलास। ले जनाब, गिलास हमने ले लिए जी 2, उसमें आइस क्यूब भी हमने शामिल कर लिए हैं। ये आपकी मर्जी है कितना आप ठंडा करना चाहते हैं। और हमारा शक्कर वाला पानी भी बिल्कुल रेडी है। अब करेंगे क्या, 1 गिलास में 2 टेबलस्पून सत्तू लेंगे। आप 1.5 भी कर सकते हैं, ये जनाब 1 और ये 2। ठीक है जनाब, दूसरे ग्लास में भी हम इसी तरह ही 1 और इसमें 1.5 कर लेते हैं। ले जनाब, ये सत्तू हमने शामिल कर लिया। अब इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है जी, वो जो हमने शक्कर वाला पानी बनाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा, अभी इंशाल्लाह इसको मिक्स भी करेंगे। ले जी, इसमें भी। अच्छा, यह मैं बताता चलूँ कि अगर आप लीमू अगर आपके पास हो तो आप लीमू वाला भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप लीमू पसंद करते हैं तो आप लीमू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको मिक्स कर लेते हैं जी। लें जी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मज़ेदार सा हमारा सत्तू बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छी और मुफीद चीज़ है जी, ज़रूर बना के पीजिएगा, ये गर्मियों की सुगात है। ले जनाब, इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। ले जी, हमारा सत्तू बिल्कुल रेडी है जी। अब इसको पी के आपको मैं बताता भी हूँ कैसा टेस्ट है। जी वर्स, हमारा मज़ेदार सा सत्तू बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दिखाता हूँ जी जूम करके भी। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह का ये जनाब ये लुक देगा। और मैं आपको सत्तू भी दिखाता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि ये जनाब जौ को पीस के बनाया जाता है और शक्कर चीनी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, शक्कर इस्तेमाल करनी है इसके लिए। और गर्मियों की ये सुगात है, लाजमी आप पिएगा और बताइएगा ये कैसा लगा आपको इसका टेस्ट। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। जीवर्स, मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही आला, यकीन जाने बहुत मजे का टेस्ट है।
जरूर आपने ये ट्राई करना है और ये मुफीद भी बहुत है आपके लिए, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ये जरूर ट्राई करना है और पीना भी जरूर है। और गर्मियों की मैं आपको बताता चलूँ कि ये सौगात है, तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा और ब्लॉग भी आप मेरा जरूर देखिएगा। और मेरी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।